सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर आप हार नहीं मानती तो आपको कोई नहीं हरा सकता। समय का उत्तम उपयोग करना सीखें, क्योंकि विश्व के ज्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है। दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज का पंचांग 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 10:30 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 12:14 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:29 से 10:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। तुला राशि 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार, आज कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। आप यह मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता को भी नोट करेंगे। कोई आपसे मदद मांगेगा। प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपने अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास और नई ऊर्जा महसूस करेंगे। घर की सुख सुविधा संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा। अभी समय कठिन नहीं है, लेकिन संयम कम होने से तनाव बढ़ सकता है। काम से जुड़ी हर एक बात पर बारीकी से ध्यान दें। अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है। करियर से संबंधित कठिन निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति का साथ प्राप्त होगा। काम से अधिक व्यस्त रहने से पार्टनर को समय देना संभव हो सकता है। पैर दर्द की समस्या भी हो सकती है। धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत से कोई दैवीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज यार दोस्तों के साथ पार्टी में आप खूब पैसे लुटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। बच्चे की तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। प्रेम हमेशा आत्मीय होता है और यही बात आप आज अनुभव करेंगे। आपकी साझेदारी आपकी नई योजनाओं और विचारों का समर्थन करेंगे। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है तो आपको इस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ऐसा करके अपने भविष्य को आप सुधार सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी मदद करें। आप भावनात्मक स्वरूप से मजबूत रहेंगी। ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यों में समय बीतेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। आप अपने व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। अचानक कोई समस्या आ सकती है, समझ और सावधानी से बाहर निकल पाएंगे। नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूर रहें। कार्य क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा हो सकता है। आप अचल संपत्ति और निवेश जैसी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। सब कुछ ठीक होने पर भी मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने से आपको राहत मिलेगी। युवाओं को अपने करियर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा हो सकता है। थोड़ा आराम मिल सकता है। मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने पर विशेष ध्यान देंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पैसों को लेकर कोई समझौता ना करें। वाहन या घर की मरम्मत पर खर्च से बजट बिगड़ सकता है। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में कार्य प्रणाली बदलने की जरूरत है। परिवार के साथ आराम की वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। सावधानियां, अपने कटु शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
अपनी कार्य प्रणाली का ज्यादा बखान ना करें तथा अति आत्मविश्वास की स्थिति से भी परहेज रखें। अपनी ऊर्जा का सकारात्मक रूप से प्रयोग करें तो बहुत ही उचित परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। सुकून और खुशी पाने के लिए पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन व शॉपिंग संबंधित प्रोग्राम भी बनाएं। लव पार्टनर को उनकी रुचि अनुसार कोई उपहार देना संबंधों में मधुरता लाएगा। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मान करके यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन ना करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। बात करते हैं करियर की। लघु लेकिन बार बार की बाधाओं से आपके काम काज की राहत में रोड़ा पैदा होगा और आप समय सीमा के भीतर अपनी योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ महसूस करेंगे। ये बाधा व्यर्थ की होगी लेकिन इनसे पार पाना या इनकी गणना करना मुश्किल होगा। हालांकि क्रोध और चिढ़ने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसके बजाय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी सहयोगियों को मदद के लिए पूछने की कोशिश करें। इस राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापारिक कार्यों में बिक्री में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में ऑनलाइन बिक्री में बढ़ोतरी होती देखी जाएगी। फास्ट मूविंग एवं किराना से संबंधित कार्यों में बिक्री वृद्धि की स्थिति देखी जाएगी। कुछ स्कीम्स के माध्यम से काम को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी ज्यादातर कामों को ऑनलाइन के माध्यम से करते देखे जाएंगे। बच्चों के बारे में आज कुछ नकारात्मक बात जानने से आपका मन थोड़ा चिंतित भी हो सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। स्टाफ के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। उनकी मेहनत व कार्य क्षमता आपके काम के उत्पादन में वृद्धि करेगी। आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। आज किसी प्रयास में सफलता से उत्साह में बढ़ोतरी होगी। किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना है। करियर और निजी कार्यों में अपने अहंकार को आड़े न आने दें, वरना काम बिगड़ सकता है। जल्दबाजी से रिश्ते खराब हो सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यवसाय में मददगार हो सकती है। पारिवारिक वातावरण मधुर हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। नसों में खिंचाव तथा जोड़ों में दर्द जैसी अत्यधिक दिक्कत रह सकती है। खान पान की आदत में सुधार लाना जरूरी है, वरना डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। आप में बेहतरीन प्रशिक्षण होने की प्राकृतिक योग्यता है, लेकिन अगर कोई आपके आसपास आपको खुद के देखभाल के बारे में याद दिलाने वाला ना हो तो आपको खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। लेकिन यह याद रखें कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपने कभी इस तरह नहीं सोचा है तो अब इस बारे में सोचने का समय है। आज का उपाय। आज अब गरीबों को काले तिल या काले कपड़ों का दान करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।